हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टू ऑल डॉट इंडिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है येलो फंगस। हम पहले ही अपनी ब्लैक फंगस पे वीडियो डाल चुके हैं, तो अब ये वीडियो येलो फंगस पे है क्योंकि ये फंगस अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम से पाया जा रहा है। सो येलो फंगस विच इज़ मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस हिट इंडिया, हु आर एट रिस्क। सिम्टम्स ऑफ येलो फंगस: लिथर्जी, वेट लॉस मीन्स जिनका वजन घटने लगे, लो एपिटाइट, भूख कम होने लगे, एट ऑल आर सेड टू बी द कॉमन सिम्टम्स ऑफ येलो फंगस। ये सारे ये हैं कॉमन सिम्टम्स हैं येलो फंगस के। मोर सीवियर सिम्टम्स ऑफ येलो फंगस कैन बी रस्किनाइज और द फॉर्मेशन ऑफ द लीकेज ऑफ पस। गाइस, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है रस्किनाइज, इसका मतलब होता है पस टाइप का जमा हो जाना। गाइस, ये येलो फंगस जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो चोट या घाव लगते हैं उन्हें भरने से रोकता है। जैसे एज यूजुअली हमारी चोट लगती है तो हमारे जो बॉन्ड होती है वो अपने आप ही हील होने लगती है, पर ये जो येलो फंगस है वो उस बॉन्ड को हील नहीं होने देता है, उसे हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके साथ साथ हमें ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, एंड ऑल्सो इवेंचुअली लीड टू द निकोरिसिस इन एक्सट्रीम केसेस। यहाँ पे जो वर्ड निकोरिसिस यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है कि डेड इन द सेल्स, मीन्स ये हमारे सेल्स को भी मार देता है। अब इसके बारे में पता कैसे चलता है कि हमें फंगस हो गया है? देखो गाइस, ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो या येलो फंगस हो, इसका पता हम एक्सरे और सीटी स्कैन से कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी के बाहर फंगस हुआ है तो उसका पता कैसे कर सकते हैं हम? तो इसका पता भी हम बहुत सिंपली आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपनी बॉडी का एक स्मॉल पार्ट का सैंपल लेके फॉरेंसिक में देना है पता करने के लिए। लेकिन ये मोस्टली जो है वो इंटरनली होता है ऐसा कहा जा रहा है। कॉजेज ऑफ येलो फंगस, बेसिकली मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ये फंगस पहले से हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल थे और ये मोस्टली कोविड के पेशेंट्स पे अटैक करते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ गिविंग एस्ट्रॉइड। अब येलो फंगस जो है वो हाई इम्यूनिटी में हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि आपके क्लोज स्पेस जो होते हैं यानी ऑफिस या होम, उनकी ह्यूमिडिटी 30-40% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बिकॉज हाई मॉइस्चर में फंगस ग्रोथ करते हैं। और सेकेंड पॉइंट, ओल्ड फूड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। बेसिकली क्या होता है, हम लोग मतलब अपनी टावल, एक एग्जांपल देता हूँ टावल का, हम लोग क्या करते हैं अपनी टावल यूज़ करते हैं, उसे वॉश वगैरह नहीं करते, उसे डेली ऐसी रूटीन में ला सकते हैं, अपनी टावल शेयर कर लेते हैं किसी पर्सन से, तो ये चीज़ नहीं करनी है। हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर हाइजीन ढंग से नहीं रखेंगे तो ये हमें फंगस हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, इसका ट्रीटमेंट क्या है। गाइस, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमें इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी को बाई चांस येलो फंगस हो जाता है तो उसे सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट कराना है। अब इसका ट्रीटमेंट होता क्या है, इसमें एक इंजेक्शन बताया गया है, एम्फीटोरिसिन डी इंजेक्शन, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है जो येलो फंगस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये ड्रग अब बहुत ज़्यादा सेल आउट हो चुका है, मतलब इसकी अब वो हमारे लिए काफ़ी कम हो रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी स्टेट्स में ये येलो फंगस, ब्लैक फंगस वगैरह निकल रहे हैं, इसकी वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है मार्केट के अंदर। इसे काफ़ी सारी कंपनीज़ को दिया जा रहा है, अब बनाने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज इसे बना रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड हमें इस बार ये भी कमेंट करके दीजिएगा कि हम अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। लॉकडाउन ओपन होने के बाद हमारी टीम फिर से वर्क पर आएगी, बट टिल देन हमें कोई ऐसा टॉपिक दीजिए जो हम घर बैठ कर कम्प्लीट कर सकें। थैंक यू।